मतलब इतना छोटा हा ट्रैक्टर और फंक्शन ही इतने ज्यादा दे रखे थे इतने पुराने ट्रैक्टर। इसमें ना ये बैक गियर ला दिया। अच्छा अच्छा, ये ट्रैक्टर और चैनल है। ये दो बोल्ट खोलो। हाँ अरे ये यहाँ को लगा दो। अच्छा अच्छा, ये चक्कर निकाल के यहाँ लगा, चक्कर डाल दो। अच्छा अच्छा, इस वाले में। हाँ यहाँ शेर लग जाएगी। हाँ और पीछे तो इधर मोड़ जाएगा ब्रेक लगा। हाँ और गियर लाए जा चलते। हाँ मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये डीटी काफ़ी रेयर ट्रैक्टर है, एंटिक पीस। तो अंकल जी साथ में हैं, इस ट्रैक्टर के बारे में सारी फुल डिटेल बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, पुरानी यादें ताज़ी हो जाएंगी। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाइयों। तो नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। ट्रैक्टर है, इसके बारे में और बताओ। ये जीडी ट्रैक्टर है 1970 मॉडल। अच्छा तो ये 14 एचपी का है। अच्छा ये टोटल है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ है। ये हाइड्रोलिक है, लिफ्ट इतना ही ऊपर काम करे, इतना नीचे काम करती है। अच्छा, इतनी ही नीचे इतनी ऊपर करती है। मतलब ये कौन सी कंपनी होगी? ये रूस का जी। रूस का ट्रैक्टर है ये। और लिफ्ट लॉक सिस्टम भी है इसकी? इसमें लिफ्ट सेंटर या सिलेंडर निकाल लॉक होते हैं, लॉक ये ना किले भी। अच्छा, यहाँ लॉक होता है। अच्छा, ये इसको दाब कर रखेगी। हाँ लिफ्ट वहीं लॉक हो जाए, नीचे नहीं पड़ेगी कहीं। अच्छा, भी लिफ्ट वहाँ लेके जा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, मतलब इसके टायर चौड़े भी हो जाते हैं ना? हाँ लाइन चौड़ी हो जाएगी। अच्छा, इसकी लाइन चौड़ी भी हो जाएगी, अगले आसा भी है, अगले भी हो जाएगी, पिछले ऊपर नीचे भी होगा, ऊपर नीचे होता है ये। अच्छा ये दिखाओ, ये देखो ये बोल्ट खोल के ना। हाँ हाँ, ये ऐसा नीचे कर तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये ऊपर नीचे भी हो जाता है और ऊपर ठान यहाँ बोल्ट बैठ। हाँ ये आगे से चौड़ा भी हो जाता है, एडजस्टेबल एक्सल के साथ भी है। ये ऊपर से लुक देखो XT3, ये साइड में इसका सिलेंसर है, ओरिजिनल सिलेंसर है ये पैप लगा रखा है, ये सिलेंसर यहाँ तक है। अच्छा अच्छा, इसका पैप लगा रखा है वैसे डिजाइन बनाने के लिए। हाँ। इसकी यहाँ पे लाइट आती थी। हाँ। ये लाइट भी आती है, ये एयर क्लीनर है वही साइड में, वो सिंगल बोनट के साथ है, वो वाल्ट रेडिएटर के साथ है। ये जाली ओरिजिनल ढक्कन की इसकी टंकी है, यहाँ तक सेंसर लगा है। अच्छा ये पैप लगा रखी दूसरी। अच्छा मतलब वैसे डिजाइन बनाने के लिए है, सिंगल सिलेंडर में है ना। कितने एचपी का होगा अंकल? 14 एचपी का। तो मतलब ये भी इसने भी मतलब किसानों के लिए बहुत काम किया, मतलब काफ़ी सस्ता आता था। हाँ, बस बहुत सस्ता आता था। जैसे अब आईसर के ये आए है 241, उस समय काम करता था। ठीक है, इसका सलफ है यहाँ ऊपर बैठ के, इसको दाबो। अच्छा चाबी नहीं इसकी। अच्छा ये चाबी नहीं है इसको, ये देखो पहले खाती है दाबो। अच्छा अच्छा, ऐसे मारो। हाँ इन्हें घुमा दे कि ये वाल है। अच्छा ये गियर दो, ये वाल गियर दो, चैन आया कर भी। अच्छा ये वाल है, ये वाल। हाँ तार से है वहाँ से छोड़ता, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी यूनिक चीज़ है, मतलब स्टार्ट करने के ज़्यादा सर्दी के अंदर इसके अंदर यहाँ ये हीटर होता है। अच्छा यहाँ पे ये हीटर है। हाँ ये पंप होता है। अच्छा हवा तेल मारते हैं। अच्छा अच्छा, इसका यहाँ किलोमीटर होता था। अच्छा यहाँ पे किलोमीटर है। हाँ जी, कितने घंटे चल रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे कितने घंटे चला है ये मीटर? इसका मोबाइल फिल्टर है। हाँ डीजल खोलो। हाँ साफ करके डाल दो। अच्छा अच्छा अच्छा, टूट फूट नहीं होती है। ठीक, पूरी यहाँ पे इसके पूरी। हाँ हाँ, यहाँ पे बराबर में पूरी आगे चलाना, पड़ा चलाना है बोर पे। ठीक, डबल पीटी होती है यहाँ भी एक पीछे भी। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से हाथ की। अच्छा ये क्लच वगैरह होगी। ये अच्छा, ये न्यूटन हाथ की क्लच थी तो ये। और ये रेस है, ये रेस होगी, ये ब्रेक है, ये ब्रेक उस साइड भी ब्रेक है अलग अलग। पतला ब्रेक दाब तो दोनों ब्रेक दबेंगे। अच्छा अरला साइड साइड का। अच्छा वो दबो तो दोनों ब्रेक दबेंगे। अच्छा वो वाला। अच्छा ये वाला दबाएंगे, दोनों काम करेंगे, अलग अलग करना होता है ये करीब। कितने गियर होंगे इसमें? इसमें 4 गियर। मतलब इतना छोटा हा ट्रैक्टर और फंक्शन ही इतने ज्यादा दे रखे थे इतने पुराने। इसमें ना ये बैक गियर ला दिया। अच्छा बैक में चलेगा। अच्छा चौथे बैक में चलेगा। अच्छा मतलब जो सेटल गियर आ रही है आज के टाइम में। हाँ। वो सिस्टम पहला ही था, पहला ही था। मतलब बैक का लगा दो, पहला ला दो, जब भी चला स्पीड बत्ती चले जाएगी। पहले बैक चलेगा, तीसरे बैक चलेगा। हाँ स्पीड बत्ती चले जाएगी।
ये ओरिजिनल सीट के साथ है अगर या कमानी वाली सीट आती नहीं, इसमें सीट वो स्पेक्ट्रम ओरिजिनल सीट वो रखी। अच्छा वहाँ पे रखी है ओरिजिनल सीट, सीट मड़ी चेंज की हुई है। हाँ ठीक ठीक, बॉडी वही बना के ये तेल की टैंकी के। अच्छा और ये छतरी वगैरह ये बाद में लगाई थी है। उसके साथ स्टीयरिंग है ना, उसको बताऊंगा आपको इसमें। ये ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर ओरिजिनल है। अच्छा ये ट्रैक्टर ओरिजिनल है, ये ट्रैक्टर, ये सीट आती थी। अच्छा इसकी पहले ऐसी सीट आती थी, ऐसी सीट आती थी, इस तरह का ओरिजिनल स्टीयरिंग है। उसमें ओरिजिनल स्टीयरिंग भी नहीं था। ये ओरिजिनल स्टीयरिंग है। अच्छा इस तरह का आता था, मतलब सीट को हम आगे यहाँ भी लगा सकते हैं। ये चार बोल्ट, ये दो बोल्ट खोलो। हाँ अरे ये यहाँ को लगा दो। अच्छा अच्छा, ये चक्कर निकाल के यहाँ लगा, चक्कर डाल दो। अच्छा अच्छा, इस वाले में यहाँ सीट लग जाएगी। हाँ और पीछे तो इधर मुँह जाएगा, ब्रेक लगा और गियर लगाए जाओ चलते। हाँ मतलब गोड़ी लगाए जाओ, गोड़ी लगानी है, बैक में चलेगा, लोडर वगैरह कुछ भी करना हो बैक में चलाना है, बैक में ले जा सकते। अच्छा नाड़ नहीं घुमानी पड़ती। हाँ इधर इधर मुँह आएगा। ठीक 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 ठीक, आगे चलाना है तो चक्कर यहाँ निकाल, यहाँ चक्कर लगा दो, सीट को यहाँ। मतलब मशीन बन सका है जो गेहूँ काटने की मशीन है, कुछ भी बन सकती है। हाँ आपने टेम कौन, टेम काट के आने आपको बैग चला के दिखा। अच्छा चला के भी दिखा दे हैं। अच्छा ये पुड़ी कहाँ पे लगती थी? लगती अच्छा यहाँ पे लगती है ये पुड़ी। इसके लिए अच्छा अच्छा, पुड़ी से भी स्टार्ट हो जाता है इसमें। इसको तो उठा लो। हाँ इसको हाई न्यूट्रल करो, लो करो। हाँ हाँ न्यूट्रल करके लगा रस्सा मार के स्टार्ट कर लो। बढ़िया सिस्टम दे रहा है। तो उम्मीद है किसान भाई आपको लाइट आती थी। अच्छा बल्ब होते हैं आपको चीज देख रहा था, काम करने टाइम यहाँ। अच्छा अच्छा सेल्फ के लिए छोटा बल्ब होता है। अच्छा यहाँ से मतलब वो इधर उधर हो जाती थी। हाँ लाइट। अच्छा यहाँ पे लाइट, इसका वो सिस्टम इतना मतलब एक पीटी पुली आती थी। किसान की इतनी सोच का मना रखी थी, बल किसान नहीं होती भागना नहीं पड़ता कहीं भी। हाँ कहीं भी भागना नहीं, ना मिस्त्री के पास अपना। ये ओरिजिनल मीटर है इस तरह के, ये ओरिजिनल स्टीयरिंग है। हाँ। ये रेस हाथ की। अच्छा ये हाथ की रेस है। हाँ पैर की, ये पैर की रेस, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाले। ठीक ये फंक्शन और कुछ फंक्शन रह गए हो तो किसान भाइयों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।